आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जब से हम लोगों ने सरकार बनाई है, गुंडे बिल में घुस गए हैं। बिल में गुंडों का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, माफिया परेशान है, लेकिन कैसे गुंडे अपराधी माफिया इकट्ठा हो जाए, अखिलेश यादव जी इसका ही यत्न दिन रात करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा है, एक मुख्तार अंसारी नाम का माफिया गाजीपुर का रहने वाला, कई हत्याओं का अपराधी था, अगर उसकी हार्ट अटैक से मौत नहीं होती तो फांसी के फंदे पर वो जरूर बहुत जल्दी लटकाया जाता, लेकिन जब उसकी मौत हो गई, श्री अखिलेश यादव जी फतिहा पढ़ने के लिए उसकी कब्र पर गए। गए मालूम है कि नहीं मालूम है आप लोग? दोनों हाथ लगा बताओ, मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन यही अखिलेश यादव जब भगवान श्री रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, समाजवादी पार्टी परिवार का हाथ राम भक्तों के खून से रंगा हुआ है, फिर भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया कि आइए रामलला का दर्शन करिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होइए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। बाबूजी कल्याण सिंह जी की मौत हुई थी, उनका शव विधानसभा परिसर में रखा था, अखिलेश यादव जी के घर से 500 मीटर की दूरी थी, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आए, लेकिन एक माफिया की कब्र पर फतिहा पढ़ने के लिए गए, जिन्होंने बाबूजी कल्याण सिंह का अपमान किया, जिन्होंने रामलला का निमंत्रण ठुकराया। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, 2024 के चुनाव में उनको ठुकरा दीजिए। ये आईसीयू में पड़ी हुई पार्टियां हैं, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अब इनको ऑक्सीजन देना चाहिए क्या? दोनों हाथ लगा बताओ, देना चाहिए क्या? अब इनको ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर सपा सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है, कांग्रेस कालिया नाग है। ये डसने का काम करते हैं, सेवा करने का काम नहीं करते हैं।